साहब, साहब। क्या हुआ, कोई खून किया क्या? नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। देखो घबराओ नहीं, साफ साफ कहो क्या हुआ है। साहब मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं मंगल सिंह साहब का ड्राइवर हूँ साहब। मंगल सिंह साहब, आज जब मैं गोदाम से डिलीवरी लेके निकला तो पता चला दवाई की जगह में पूरा ट्रक ड्रग से भरा हुआ है। अच्छा? हाँ साहब, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, शादीशुदा हूँ साहब, इसलिए मैं पूरा ट्रक आपके पास ले आया हूँ, आप मुझे बता लीजिए साहब। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैं जानता हूँ कि खून पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाने वाले कभी गैर कानूनी काम नहीं करते, और तुमने तो कानून की मदद की है। आओ मेरे साथ चलो, आप चलो चलो। क्या बात है साहब? बात तो ऐसी है कि तुम सबको हवालात पहुंचा सकती है। ट्रक में दूसरे माल के साथ ड्रग्स छुपाकर सप्लाई करने की चाल तो बहुत अच्छी है, मगर जुर्म ना कभी छुपता है और ना कभी पनपता है। तुम्हारे ड्राइवर की नजर उस छुपे हुए माल पे पड़ गई और उसने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मालिक तो पूजा कर रहे हैं, मैं देखता हूँ शायद पूजा खत्म हो गई। जल्दी 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 बुला लाओ। मंगल साहब, हमारे ड्राइवर ने ट्रक में छुपे माल को देख लिया है और पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। इंस्पेक्टर शक्ति साहब आए हैं। एक अच्छे शहरी की यही निशानी है, हम नहीं चाहते कि इंस्पेक्टर शक्ति हमारा इंतजार करे, हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं। कैसे हो इंस्पेक्टर? अच्छा हूँ मंगल दादा, बहुत अच्छा हूँ। आप जैसे महान लोगों का जिसके सर पे हाथ हो उसको क्या परेशानी हो सकती है जी। मंगल दादा आपके ड्राइवर ने सब कुछ सुन लिया है मैंने। हमें ऐसे आदमियों को मिलकर बड़ी खुशी होती है जो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। मगर शक्ति सिंह, जिस पर हम खुश होते हैं ना, उस पर हमारे सखावत के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं। टू गुड मंगल दादा, टू गुड। और जो मालिक के नमक का हक अदा नहीं करता उससे मंगल सख्त नफरत करता है, और जिससे मंगल नफरत करता है वो उसके लिए मौत के दरवाजे खोल देता है। अरे बापू 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 बापू, ये तुमने क्या कर दिया पागल? फैसला कर दिया नीलकंठ, देखते रहे। कानून का आदमी हमारे दरवाजे पर फरियाद लेकर आया है। मगर मंगल साहब ये कैसा फैसला है? अरे अदालत में तो फिर भी सुनवाइयां चलती रहती हैं, मगर तुमने तो पहली पेशी में इसका फुल एंड फाइनल कर दिया। कानून के सामने ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। अरे तुम भी कमाल के पुलिस ऑफिसर हो यार, एक तो वर्दी पहनकर रखी है और जुर्म आंखों के सामने होते हुए भी तुमको मुड़कर खड़े होने नहीं आता। क्या करो बाबू, रुपयों की चमक से आंखें चौंधिया गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने नहीं देखा मगर दूसरे भी तो हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही फुल एंड फाइनल ऑफिसर थोड़े ही हो। तुम काहे फुल एंड फाइनल के चक्कर में पड़ते हो चरणदास? पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपने फॉरेन के टूर को फुल एंड फाइनल करते हैं।